आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने लंग्स को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं और उन्हें स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि कोविड पेंडेमिक हम सभी के लंग्स बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन्स यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुशफिक हुसैन फ्रॉम डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने लंग्स को स्ट्रांग कर सकते हैं, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपल कुछ मेथड हैं जिनको हम अप्लाई करके हम अपने लंग्स को स्ट्रांग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को सही करें, करेक्ट करें। हम ज्यादातर बहुत छोटी शॉर्ट ब्रीथ कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर लंग्स को एक्सहेल करते ही नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज हम हैबिट डालें कि हम अपनी डीप ब्रीथ पैटर्न करें, अपना जब भी हम ब्रीदिंग करें डीप ब्रीथ लें। हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से ओपन होंगे और उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा और वो स्ट्रांग होंगे और उनमें जो भी टॉक्सिक होंगे वो निकलेंगे। सेकंड है कि हम लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए जो एक सबसे नेसेसरी चीज है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्टीमिंग हम जरूर करें। स्टीम से हमारे लंग्स में जो भी कफ हमारा जमा होता है, जो भी टॉक्सिक जमा होते हैं, वो आराम इजीली निकल जाते हैं। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो स्टीमिंग से ये टॉक्सिक बाहर निकल गए, इन्फेक्शन दूर होता है और इन्फ्लामेशन दूर होता है, तो स्टीमिंग आप जरूर करें। थर्ड है कि हम एक और मुलेठी तुलसी और टर्मरिक टी हम जरूर लें, क्योंकि मुलेठी हमारे लंग्स को स्ट्रांग करने में बहुत हेल्प करता है। सेकेंड, ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। थर्ड, ये हमारी नींद को भी इम्प्रूव करता है, इसलिए मुलेठी टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लंग्स के लिए और ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए। तो मुलेठी तुलसी और टर्मरिक टी आप रेगुलर ज़रूर लें, क्योंकि अभी आप जैसे जान ही रहे हैं कि अभी हाई अलर्ट में है इंडिया। थर्ड जो वेरिएंट आ रहा है BF7, इस वेरिएंट से भी अगर हम इस तरीके की स्टीमिंग और टी लेते हैं तो काफी हद तक बच सकते हैं और प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो इसको आप जरूर ट्राई करें। थर्ड, इसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन से भी अपने लंग्स स्ट्रांग कर सकते हैं। लंग्स स्ट्रांग करने की जो सबसे अच्छी मेडिसिन है कि हम एकोनाइट जरूर लें। एकोनाइट किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए, लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए एकोनाइट बहुत हेल्पफुल होती है। सेकेंड है स्पॉन्जिया, कि अगर किसी तरीके की कफ है, जो है बहुत ज्यादा कफ आ रहा है, तो उस कफ को दूर करने के लिए और लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी हम रेगुलर देते हैं, तो ये काफी हेल्पफुल होता है। थर्ड है लंग्स को में अगर किसी तरीके का ऐसा बलगम जमा हो गया जो बहुत पुराना है और जिसको निकालने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो इसको दूर करने के लिए हम एंटीम टार्ट मेडिसिन है 200 में, उस पोटेंसी में ट्वाइस अ डे या वंस डेली एज पर रिक्वायरमेंट कि पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, कब से है, कितना है उसको सीवियरिटी, उस पर डिपेंड करके हम ये मेडिसिन देते हैं, तो उसका जो भी पुराना कफ है वो निकल जाता है और लंग्स उसके हेल्दी हो जाते हैं। इफ यू लाइक मोर इन्फॉर्मेशन, हम अपना 25 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में हम क्रॉनिक केस होते हैं जो लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन के, लंग्स इन्फेक्शन के, अस्थमा से रिलेटेड और जो भी हमारे सांस से रिलेटेड परेशानी होती है, कफ कोल्ड और अस्थमेटिक जो है, एलर्जिक है बहुत सारे पेशेंट्स, उनको हम बहुत प्रॉपर केस टेकिंग करके उनके लिए मोस्ट सुटेबल मेडिसिन उनके लिए सिलेक्ट करके परफेक्ट डोज सिलेक्ट करके परफेक्ट पोटेंसी प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है, तो उनके अंदर के जितने भी वायरल इन्फेक्शन है, जितनी भी इम्यूनिटी वीक है, वो सब दूर होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं, साथ में उनको मेंटली और फिजिकली कम्प्लीट क्योर मिलता है। तो आई होप ये यूजफुल लगी आपके लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्दी, stay happy.